केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फोर लास्ट पार्ट है और ये अलेवेंथ क्लास ट्वेल्व नीट आई टी मैन आई टी एडवांस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह यूज होता है आपका और हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बॉन्ड अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें कोवलेंट कोऑर्डिनेट मैंने कंप्लीट कर दिया बॉन्ड ये बड़ा है डिफिनेशन तो बहुत ईजी है वो टेंथ क्लास वाले हैं डिफिनेशन है फिर हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे कंडीशन बनाएंगे अरेंजमेंट करना है फैचेंस रूल है आइनिक के साथ साथ कोवलेंट भी अरेंज करना सीखेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ आइनिक पॉन्ट इसके बाद एक बच्चे का बैक बॉन्ड वो डिफरेंट है वो हम लोग स्टडी करेंगे उसके तो स्टार्ट करते हैं आइनिक पॉन्ट और डिफिनी टेंथ क्लास नंबर वन बॉन्ड तो मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझा देता हूं बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ट्रांसफर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिख लेते हैं ये टेंथ क्लास में तो हम लोग लिखते थे कैसे ट्रांसफर हो रहा है क्यों हो रहा है वो डिफाइन कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन

so bond for by transfer of electron from metal to non metal metals and non metal just transfer of electron upon uh, ionic bond ho okay. simple sodium chloride Substance common bond is uh, sodium chloride so formation of sodium chloride nacl so just sodium chloride हम हाँ जानते हैं सोडियम क्लोराइड में एन प्लस और सी और ये सबसे कॉमन ये मोस्ट कॉमन जो बॉन्ड इसी एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं टेंथ क्लास भी एलेवंथ क्लास भी आयनिक बॉन्ड हुआ क्यों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो डिफाइन कर लेते हैं और जो टेंथ में पढ़ते थे वही चीज तो यहां भी है आपका डिफिनेशन टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास जो था वही डिफिनेशन यहां भी है, बताइए सोडियम ऐसे लिख लेंगे सोडियम यहां इलेक्ट्रॉनिक 11 ये एटॉमिक नंबर 11 11 का मतलब होता है टू और एट और वन सब लोग आप लोग जानते हैं टू एट वन लेस स्टेबल अनस्टेबल क्योंकि रूल फॉलो करना है ऑक्टेट रूल सो टू एट वन टू एट वन जो है वो अनस्टेबल uh, है सब लोगों को पढ़ा हुआ अनस्टेबल है अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही टू एट होगी ऑक्ट्रेट रूल फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल फॉलो करने पे ये स्टेबल गया। डिफिनेशन ये सब चीजें पॉइंट नाइन्थ क्लास का टेंथ क्लास का जो था वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से देखिए क्लोराइड सी एल टू 287 सेवन अनस्टेबल जैसे ही सीएल माइनस हम लोग करेंगे सीएल माइनस तो सी माइनस जो होगा वो हो गया 288 और ये टूट सीएल माइनस जो हो गया क्योंकि टू एट सेवन सेवन अनस्टेबल है ऑक्टेट रूल फॉलो करना है द लास्ट ऑर्बिट में है एट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट रूल तो वो वन था तो वन अच्छा नहीं है ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू एट एट और टू एट एट जो है वो अब स्टेबल हो गया ठीक है अब देखिए एकदम सिंपल नाइन क्लास अब बताइए आप जानते हैं कि ये सोडियम है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है टू एट वन और यहाँ क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन टू एट सेवन ये है सोडियम अकेला जो है वो अनस्टेबल रहेगा और ये क्लोरीन अकेला ये है अनस्टेबल आप जानते हैं ये अकेले अकेले अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट में एट होना चाहिए वहाँ भी एट होना चाहिए बट नहीं है अनस्टेबल है तो हुआ क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लॉस करेगा ये गेन करेगा जैसे ही सोडियम ने लॉस किया तो सोडियम ये एन ए प्लस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा सी एल माइनस हो जाएगा अब इसके पास देखेंगे तो टू एट हुआ और इसके पास देखेंगे टू एट एट ये भी अब स्टेबल हो गया ये स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल होता है क्योंकि बॉन्डिंग का रूल ही है बॉन्ड किस लिए बनता है जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी बॉन्ड का मतलब ही है स्टेबिलिटी के लिए और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज देखिए ये प्लस माइनस एट्रैक्शन ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन हुआ दोनों सट जाएगा और सट करके ये बना देगा एन और ये हो गया सॉलिड यहीं पे बॉन्ड जो होता है यही आयनिक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखिए यहाँ से ट्रांसफर हुआ ये लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस ये इलेक्ट्रॉन गेट ये स्टेबल ये स्टेबल दोनों प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और एनसियल सॉलिड यहीं पर बन गया एनिक बॉन्ड तो ये था एनिक बॉन्ड एनिक बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल क्लास सबसे कॉमन रॉक सॉल्ट टेबल सॉल्ट घर में नमक यूज करते हैं हम लोग किचन में नमक रखा रहता है डिनर टेबल पर नमक रखा रहता है यही तो है एन एसियल जिसके अंदर आनिक बॉन्ड कैसे आनिक बॉन्ड हुआ कलर से देख रहा है नॉन मेटल है अनस्टेबल अनस्टेबल साइंस का रूल ही है हर लोग चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना आप भी पढ़ रहे हैं क्यों क्यों पढ़ रहे हैं आप जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी क्योंकि आप फ्यूचर में अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं तो उसी तरह हर एटम हर रिएक्शन हर एक का रूल होता है कि अपने आप को स्टेबलाइज करेगा ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टू एट स्टेबल ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू एट एट स्टेबल अब इसके बॉडी पे प्लस माइनस ट्रैक्शन हो गया अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड हो जाएगा ये सॉलिड नमक किचन में रखा हुआ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आनिक बॉन्ड है ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये सब बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर में आता था कि आनिक बॉन्ड डिफाइन करें तो आप डिफाइन करिएगा बॉन्ड फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल या फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन डिफाइंड एज एनिक बॉन्ड और एग्जाम्पल जरूर लिखिए जरूर लिखिए कि एक कोई एग्जाम्पल उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है ये तो हुआ टेंथ क्लास एलेवेंथ क्लास थोड़ा अलग थोड़ा है थोड़ा सा अलग है हायर क्लासेस करेंगे बी एस सी एमएससी करेंगे वो थोड़ा और अलग हो जाएगा और चीजें आते रहेगा और नया नया चीजें सीखना है इसमें स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनिक अब एलेवंथ क्लास में जो आनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो स्टेप फॉलो करना है वो हम प्लान करते हैं स्टेप फोर फॉर्मेशन ऑफ आनिक बॉन्ड सेकेंड पॉइंट सो स्टेप्स एंड कंडीशन हम लोग प्लान करेंगे तो स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनिक बॉन्ड एनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करना है चलो देखिए ये ये टेंथ क्लास है टेंथ क्लास में ऐसे फर्स इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन अटैच हो गया एनिक बॉन्ड नहीं अभी एलेवेंथ में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है स्टेप वन मेटल लेना है सोडियम ही ले लीजिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहां लॉस नहीं यहां पे बोलना है कि आयोनाइज करना आयोनाइजेशन रहना अच्छा बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा कुछ दिन में ये एनिक बॉन्ड और बैक बॉन्ड है ये कंप्लीट होगा तो मैं टेबल स्टार्ट करूंगा और पीरियोडिक टेबल में मैं डिस्कस करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सब टर्म डिस्कस करना अरेंज करना मैं सिखाऊंगा यहाँ पे एक लेना है मेटल सोडियम ये गैस फॉर्म होना चाहिए ये कोई भी होना चाहिए एक मेटल और गैस फील में गैस फील में मेटल होना चाहिए और आपको यहाँ पे एनर्जी देना है आयोनाइजेशन एनर्जी ये इस साइड में आपको देना है ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाए तो यहाँ से सोडियम और प्लस और यहाँ गैस और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा फर्स्ट स्टेप मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है आपने देखा था सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था तो उसको प्रॉपर वे में लिखना होता है ये जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो कुछ तो पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हीलियम प्लस उसी तरह सोडियम सोडियम मेटल है और वो गैस फेज में होना चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे एनए प्लस बन जाएगा गैसेस फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये है आयोनाइजेशन एनर्जी पहला स्टेप में एक मेटल को आयोनाइजेशन करना है तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी यह है एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड यह एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायर्ड है ये एंडोथर्मिक आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड लिखा हुआ मैं, metal. Metal है मैं टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस मेटल ये मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो टेंथ में बस ऐसे लिख देते दे, थे दे, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ नहीं यहाँ प्रॉपर वे में सेकेंड स्टेप स्टेप टू नॉन मेटल गैस फॉर्म सो यह है नॉन मेटल इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है यहां ऐड करना है और जब ऐड करेंगे तो ये हुआ सी एल माइनस और प्लस ये द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी so, रिलीज यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है और एनर्जी और रिलीज एनर्जी so, रिलीज वो रिक्वायर्ड है यहां एनर्जी रिलीज देखिए इस में लिखा है रिलीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन इन थे बोलते हैं ये पढ़ाऊंगा मैं प्लीज इसके बारे में आयोनाइजन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत मैं पढ़ाऊंगा निक्स हंड्रेड प्लस क्वेश्चन इन पे अरेंज करना मैं सिखाऊंगा तो वेट करेंगे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैं पढ़ाऊंगा बट बट इतना पता चलता है आयोनिस एनर्जी हार्ड इंस्पेक्टर में पढ़े हुए हैं उसी का उल्टा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एफिनिटी का मतलब एडिशन होता है और इसमें एनर्जी रिलीज ये रिक्वायर्ड है तो यहाँ रिलीज ये एंडोथर्मिक है तो ये बाहर निकला एक्सोथर्मिक तो टेंथ क्लास में बस हम लोग लेके ऐड कर दिया करते थे एक से निकाला दूसरे में ऐड कर दिया तो यहाँ नहीं यहां आयोनाइजेशन करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना है और फिर दोनों को मिलाना है स्टेप थ्री स्टेप थ्री सो यहां से सोडियम प्लस ले लेंगे सी माइनस एन एस सी एल हो गया सॉलिड प्लस यहाँ पे यू यूनोट को बोलते हैं लैटिस एनर्जी वो नॉट जो है वो लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी एनर्जी जब सॉलिड फॉर्म करेगा ना प्लस माइनस ऐसे जॉइंट ज्वाइंट करके ये सॉलिड स्टेट बनेगा तो वो लैटिस एनर्जी करता है यू नॉट इज लैटिस एनर्जी ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी जी इज एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिलीज में ये आ गया सो थ्री स्टेप्स थ्री स्टेप बनाने के बाद वहां पे देखिए सॉलिड सॉलिड आनी कंपाउंड ये ऐसे आपका सो नाइन टेंथ क्लास में तो वन स्टेप में ऐसे बस एक निकाला दूसरा लिया कर देते थे यहां पे आपको थ्री स्टेप्स करना एंड फाइनली आप कंबाइन कर रहे हैं हम लोग फाइनली तीनों स्टेप एक साथ लिखेंगे हम लोग फाइनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनिपॉन्ट जो आपको बनाना है तो उसके लिए थ्री steps जैसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया सोडियम और, और यहां पे बन गया सोडियम प्लस ये है सोडियम और प्लस ये गैस फेज में है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए स्टेप step two, step two. क्लोरीन लिया आपने गैसेस फेज में यहाँ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे ऐड करते ही ये यह बन गया यहाँ पे सी एल माइनस और गैस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी अब यहाँ पे सोडियम प्लस ये गैसेस स्टेट में और क्लोराइड माइनस ये गैसेस स्टेट में दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद ये हो गया एनएससीएल एनएस एल जो हो गया वो सॉलिड स्टेट हो गया प्लस यहाँ एनर्जी रिलीज किया वो एनर्जी लैटिस एनर्जी हो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करिए दोनों को कंबाइन करिए और इस तरफ फाइनली ये जो है स्टेप फोर आनिक बॉन्ड थ्री स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पानी बॉन्ड अब फाइनली मैं जोड़ रहा हूँ ये ये कैंसिल आउट ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया सी एल माइनस सी एल माइनस कैंसिल हो गया फाइनली ये हुआ हम लोग का स्टेप्स सोडियम गैस फेज में लेना है क्लोराइड गैस फेज में लेना है प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी राइट साइड एनएसएल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी या फिर आप फाइनली आपको वन स्टेप में सोडियम गैस क्लोरीन गैस और राइट right साइड जो बना रहे हैं एनएस जो है सॉलिड प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लाइटिस एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी ये है फाइनली तो फाइनल स्टेप फॉर आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाने में ये हम लोग ने थ्री स्टेप्स यूज किया और थ्री स्टेप्स यूज करके ऐसे हम लोग ने बनाया मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है फाइनली दोनों को कंबाइन करना है इस तरह हमें तीन स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फाइनली लाइटिस एनर्जी सबको जोड़ेंगे इस टर्म को मैंने उस साइड ले गया तो निगेटिव हो गया और यह है स्टेप्स फॉर एनी पॉइंट मुझे याद है कि मैं नाइन्थ क्लास में था तो हम लोग सर बस ऐसे बोला करते थे सोडियम है क्लोरीन है टू है एट है वन है और टू है एट है सेवन है और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये लॉस करेगा ऐसे तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस और सी माइनस ये है टू एट और यहाँ टू एट एट ऐसे और बोला जाता था, था कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सट जाएगा और एन हो गया तो हम लोग नाइन्थेंथ क्लास में वन स्टेप में किया करते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है स्टेबिलिटी गेन करना है सॉलिड बनाना है एलेवें क्लास में आपको ऐसे बनाना होता है थ्री स्टेप्स है वही चीजें बट प्रॉपर वे में मेटल आयोनाइज करेगा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन करेगा दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करेगा और इस तरह सॉलिड एन बनेगा जब आप हायर क्लासेस बी और एमएससी में जाएंगे तो ये थ्री स्टेप चेंज होकर फाइव स्टेप में चला जाता है फाइव स्टेप दिखाओ मैं चलो मैं दिखा देता हूँ फाइव स्टेप दिखाता हूं चलिए मैं फाइव स्टेप दिखाता हूँ तो स्टेप कंप्लीट एनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए थ्री स्टेप तीनों टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लैगिस एनर्जी आयोनाइज एनर्जी तीनों टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टी में थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे बॉन्ड हाइवर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनएसएल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनएसएल एनएसएल जो है एनिक बॉन्ड है उसको फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड हाइवर साइकिल एक बॉन्ड हाइवर साइकिल आता है वो हायर क्लासेस में है एनएसएल के फॉर्मेशन के लिए यहाँ फाइव स्टेप आ जाएगा थ्री नहीं थ्री से जाना फाइव स्टेप आता है क्यों आता है फाइव स्टेप देखिए हाँ आप बताएंगे कि जो नेचर में जो नेचुरल ठीक है नेचुरल जो सोडियम रहता है जो नेचर में सोडियम मिला हुआ है वो सोडियम रहता है एन ठीक है और उसका फेज क्या है सॉलिड वो सॉलिड स्टेट नेचुरल सोडियम सॉलिड रहता है अच्छा नेचुरल क्लोरीन सीएल टू है क्लोरिन सी एल टू रहता है गैस फेज में बट सी एल टू है नेचुरल जो नेचर ने क्लोरीन गैस बनाया है वो सी एल टू के फॉर्म में और वो गैस फेज में रहता है सोडियम रहेगा मेटल फॉर्म में अब फाइव स्टेप मैं दिखाता हूं इसमें फाइव स्टेप फाइव स्टेप देखिए पहला स्टेप ये लेना है सोडियम आप जानते हैं कि यहां सोडियम है और सोडियम आप बात कर रहे हैं ये सॉलिड है तो सॉलिड नहीं हमें इसको गैस में बनाना है सोडियम को जो सबसे पहला स्टेप है कि ये नेचुरल सोडियम तो सॉलिड है मुझे इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो आप बताएंगे यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूं ये सोडियम सोडियम जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए ठीक है गैस में तो देखिए अब आप बताएंगे यहाँ पे कि जैसे ये मेरा पेन ही है या कोई जैसे एग्जाम्पल ये ये कैप हुआ प्लास्टिक है ना सॉलिड अभी सॉलिड है और मैं चाह रहा हूँ कि ये गैस में इसको गैस में कन्वर्ट करूँ तो हीट देना पड़ेगा मुझे मुझे यहाँ पे हीटिंग करना होगा तो सॉलिड से गलेगा लिक्विड होगा लिक्विड से गैस बनेगा तो मुझे देना पड़ेगा समझ रहे हैं आप इजी है सॉलिड है सॉलिड से गैस बनाना है तो मैं हीट करूँगा तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस जाएगा क्लियर तो मुझे एनर्जी यहां देना पड़ेगा इस साइड एनर्जी देना पड़ता है और उस एनर्जी को अगर इसको सॉलिड सॉलिड से गैस ले जाना है तो उसको साइंस में सब्लिमेशन बोलते हैं हिड ऑफ सब्लिमेशन नया आ गया सब्लिमेशन ये बस जानना है आपको कि देखिए फाइव तो स्टेप होता है रियल जो फॉर्मेशन ऑफ एन एस एल या आनी पॉइंट है सॉलिड नेचुरल सोडियम सॉलिड है उसको गैस बनाना है सॉलिड तो गैस बनाने के लिए सब्लाइम करना पड़ेगा अब उसके बाद ये स्टेप गैस जब बन गया तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कर दीजिए और आयोनाइजेशन एनर्जी कर, -कर करके यहाँ आयोनाइज कर दीजिए सोडियम और प्लस गैस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ठीक है नेक्स्ट क्लोरीन जो नेचुरल क्लोरीन है वो गैस फेज में है तो इसको सबसे पहले हमें जैसे मान लीजिए पेन है पेन पेन ये हो गया पेन और इस पेन को मुझे दो टुकड़े में ऐसे पेन को लेकर ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना है ऐसे बीच से तोड़ना है इसको ये पेन है पेन है इसको दो टुकड़े में तोड़ना है ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में या ऐसे क्रैक कर कर के एक इधर एक इधर ऐसे तोड़ना है देना पड़ेगा देना पड़ेगा ठीक है देना पड़ेगा इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा एच एनर्जी फॉर डिसोसिएशन देना पड़ेगा तो जो देना पड़ेगा वो लेफ्ट साइड करिए इधर देना पड़ेगा लेफ्ट साइड तो डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे तोड़ना है और ये भी है गैस फेज में बट 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 मुझे दो नहीं चाहिए यार मुझे दो नहीं चाहिए कितना चाहिए एक ही चाहिए एक ही क्लोरिन चाहिए तो क्यों नहीं मैं हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं कर दूं ना हाफ से मल्टीप्लाई हमें एक ही क्लोरीन चाहिए एक ही क्लोरीन नेक्स्ट ये दो स्टेप नए मिल गए अब आगे देखेंगे ये क्लोरीन गैस है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा सी एल माइनस गैस फेज में यहां एनर्जी रिलीज करता है इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं और ये सोडियम प्लस गैस फेज में प्लस सी एल माइनस ये गैस फेज में दोनों कंबाइन कर लेंगे कंबाइन करके एन एस सी एल सॉलिड बना देंगे और यहाँ एनर्जी रिलीज किया उस एनर्जी को लाइट एनर्जी बोलता फाइनली आप जोड़ लीजिए जोड़ी चलिए और जोड़ेंगे तो ये सोडियम ये सोडियम कैंसिल एन ए प्लस एन ए प्लस कैंसिल ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल ये क्लोराइड एंड ये क्लोराइड एंड कैंसिल ये सी एल और ये सी एल कैंसिल हो गया बीच का बहुत सारे स्टेप कैंसिल हो गया मतलब ये देखिए फाइव स्टेप का रिएक्शन हो गया अब इस साइड क्या हुआ सो सोडियम सॉलिड इस साइड में हाफ सी एल टू इस फेज में है गैस फॉर्म में प्लस इस साइड क्या है डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन और राइट साइड राइट साइड आप बनाएंगे तो एनएससीएल यहां एन एल सॉलिड फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी देखिए तो ये है फॉर्मेशन ऑफ एन के लिए फाइव स्टेप आप चाहें तो उसको वन स्टेप में ऐसे भी लिखा जाता है सोडियम सॉलिड हाफ सी टू गैस यहां पे हो गया प्रोडक्ट में एनएसएल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लाइटिस एनर्जी और इधर से घटाएंगे इधर माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी ओ रुके रुके मिस्टेक 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 हाफ डिसोसिएशन हाफ डिसोसिएशन हाफ ही है ना ये हाफ मल्टीप्लाई होगा हाफ डिसोसिएशन प्लीज प्लीज करेक्शन हाफ डिसोसिएशन माइनस डेल्टा एच सबलिमेशन माइनस हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन था फाइव स्टेप फाइव स्टेप नाइन टेंथ वन स्टेप सोडियम उठाया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरिन को दे दिया हो गया काम नहीं हायर क्लासेस में एकदम परफेक्शन चाहिए आपको सिलेबस में तीन ही स्टेप है आपके सिलेबस में ये स्टेप है ये वाला है ये वाला है ये वाला है बट जब हायर क्लासेस जाएंगे तो नेचुरल एटम से नेचुरल एलिमेंट से एनएसएल बनाने के लिए फाइव स्टेप्स स्टेप्स हो गया स्टेप्स नेक्स्ट कंडीशन फॉर एनिक पॉइंट बॉन्ड की कंडीशन पढ़ना कंडीशन फोर एनिक बॉन्ड फोर्थ पॉइंट कंडीशन फॉर एनिंग पॉइंट देखिए कुछ चीजें अभी आप नहीं जानते हैं मुझे स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना पहले प्लान करते हैं तो थ्योरी है थ्योरी ये कंडीशन स्टेप्स है कंडीशन है फैजेंस रूल है बस थ्योरी वहीं तक है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अरेंजमेंट सीखेंगे तो कंडीशन फोर आनिक बॉन्ड के लिए थोड़ा सा ये एक रिजल्ट प्लान करेंगे है नया बट ईजी है बहुत कॉमन है साइंस में हमेशा यूज होता है तो नंबर वन मान ली एक रिएक्टेंट है और इस साइड में प्रोडक्ट है ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर इस साइड एनर्जी रिलीज कर रहा है मान लीजिए हाँ ऐसे लिखा हुआ डेल्टा एच डेल्टा एच इस साइड है राइट साइड तो इसका मतलब हुआ एनर्जी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है और एनर्जी रिलीज या फिर आप लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक जो थर्मिक रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है एक जो थर्मिक रिएक्शन हुआ ऐसे लिख सकते हैं ये एनर्जी रिलीज है या एक्जो थर्मिक रिएक्शन हो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड और वहाँ एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्जो थर्मिक रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे ये ग्राफ जो होता है टाइम और प्रोग्रेस का ग्राफ प्लॉट करेंगे मान लीजिए ये, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट टाइम बोला जाता है और इस साइड में आप एनर्जी ये एनर्जी का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ये कम से कम पचासों बार लिखेंगे हो सकता है अभी फर्स्ट टाइम है बट आप फिफ्टी टाइम लिखेंगे इसको पचासो बार लिखेंगे अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये है, ये रिएक्टेंट है, है, प्रोडक्ट तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे आता है। ऐसे डॉट लिखे जाएंगे ऐसे ये है प्रोडक्ट ये है रिएक्टेंट और ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये डेल्टा एच और इस केस में ऐसा कोई ग्राफ रहता है ना तो ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है देखिए ये प्रोडक्ट का एनर्जी लो प्रोडक्ट का एनर्जी लो और जिस सिस्टम का भी आप जानते हैं जिस सिस्टम का एनर्जी लो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं चाहे ह्यूमन नेचर भी मैंने सिखाया था कि आप आप एज ए बेस्ट स्टूडेंट हैं बहुत शांत हैं आप एकदम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं एकदम शांत हैं क्रिएटिव ब्रेन हैं हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं तो गप नहीं करते हैं मतलब जस्ट आप बहुत शांत क्रिएटिव ब्रेन हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो लो होगा और आप मोस्ट स्टेबल कहलाएंगे शांत लोग बोलते हैं बहुत बोलने वाला बक 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 करने वाला उसको बोलते हैं वेरी हाई एनर्जी बक बक हमेशा बोलते रहेगा हाई एनर्जी और लेस स्टेबल वैसे लोग लेस स्टेबल होते हैं लड़ते रहते हैं दूसरे से लड़ेंगे ठीक है सेल्फ अपने से लड़ेंगे ठीक है तो मोस्ट स्टेबल मैं पहले भी सिखाया हुआ है याद आ रहा है आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइंट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी मैंने सिखाया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव है इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल लो एनर्जी रिप्रेजेंट करता ही है मोस्ट स्टेबल तो ये देखिए ये अभी आप जो एक्सोथर्मिक अगर नीचे जा रहा है तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये आप पचास बार लिखेंगे एक बार की बात नहीं है पचास बार एलेवेंथ ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह ये चीजें पढ़ना आपको तो ये ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ ये है और मोस्ट स्टेबल देखिए आप ही के लिए बता दे आप, आपके लिए मैं आज भी लोग मैसेज किया था कल भी शाम को एक स्टूडेंट से बात कर रहा था मैं तो आज सुबह भी आज जो सुबह में मॉर्निंग में मैंने आपको कुछ सी एफ बैच में सी एफ वाले बैच में मैंने एक आ... स्क्रीन भी जो पिक्चर है वो भी शेयर किया था कल शाम को भी मैं बात कर रहा था ऐसे तो ये चीजें कई बार आप पढ़ेंगे वो चीजें मैंने मान ली कल शाम को एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैं उनको ऐसे बोला कि मेरे यहाँ तो स्टूडेंट आते रहते हैं कम मुलाकात कम होता है क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं बिजी ही रहता हूँ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में ही बिजी रहता हूँ थोड़ा टाइम मिल गया तो वो क्वेश्चन स्कैन करना अब बहुत टाइम लग जाता है अपलोडिंग करने में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बारह चौदह घंटे पंद्रह पंद्रह घंटे भी काम करते हैं तब जाके वीडियो बनता है और YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो जाते हैं आपके ऐप के लिए भी है सिटी बैच के लिए भी है सी बैच के लिए भी है हर बैच का वीडियो बनाने में टाइम लगता है फ्री कम रहता हूँ बट बच्चे लोग आते रहते हैं कभी जैसे ऑफ़िस में पता है कि दो से चार का टाइम थोड़ा सा होता है उस समय थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ फ्री नहीं रहता हूँ मतलब तो बस क्लासेस नहीं लेता हूँ तो आ जाते हैं बच्चे लोग मिलते हैं तो मैं आपको पहले भी एक दो तो बार बताया होगा कि इस बार जो मेरिट लिस्ट है जो क्योंकि बच्चे का रिजल्ट देखता हूँ उनका ऑल इंडिया रैंक देखता हूँ तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इस बार मेडिकल में सेवन ट्वेंटी आप समझ रहे हैं ये 720 ये 720 नंबर में 720 में अगर 600 भी ला रहे हैं आप 720 में से 600 600 सौ समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्कोर है 600 लाना एक बहुत मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो 600 लाते हैं बट इस बार ऐसा हो गया है कि अगर 720 में से जिस स्टूडेंट ने 600 भी गेन किया है ना उनको भी जो एम का जो ड्रीम होता है कि ये ये मिल जाए वो भी नहीं मिल पा रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है स्कोर इतना भागा है ना मेरे यहाँ आते हैं स्टूडेंट आते हैं तो देखते हैं सिक्स हंड्रेड किसी का सेवेंटी फाइव है सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन है सिक्स हंड्रेड फोटी टू है तो है रखा हुआ ऑफिस में रखे रहते हैं बाबू अब आते हैं स्टूडेंट मैं भी मिल लेता हूँ फ्री रहता हूँ तो मैं जाके ठीक है बात कर लेता हूँ तो भाई देखता हूँ कि मैं जिसका स्कोर सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से ऊपर है वो उनको एम बी पी एस मिल रहा है अब ये ये बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो इतना तक भी एवरेज स्टूडेंट तो दो सौ तीन सौ से ऊपर नहीं जा पाते तो 200 300 में तो कुछ कुछ भी नहीं कोई चांस नहीं तो इससे ज़्यादा समझ रहे हैं आप कितना कितना ज़्यादा आपको 90% परसेंट तक आपको लाना पड़ेगा मार्क्स आप समझ रहे हैं जैसे बोर्ड में लाते हैं ना आप 90% परसेंट उतना मार्क्स कंपटीशन में लाना पड़ेगा तब जाके आप अच्छे डॉक्टर सेम वही उसी के रेंज में आई मेन का भी जा रहा है एडवांस का भी उसी के रेंज में जा रहा है तो, कैसे आएगा इतना इतना मार्क्स कैसे आएगा तो इतना मार्क्स ऐसे आएगा अभी आप रिएक्टेंट हैं इसी ग्राफ के थ्रू अभी आप जो है ये पढ़ेंगे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आप एज है रिएक्टेंट आप पढ़ रहे हैं आप घर पे पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं अभी आप रिएक्टेंट हैं आपको पता है अभी आपने जीरो से लेके एल के जी यू के जी जाते थे ना बचपन में बैग लेकर के एल के जी यू के जी स्कूल में वो जीरो क्लास से लेके अभी आप टेंथ क्लास तक तो जीरो क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक आपने जो दस साल का जो आपने टाइम इतना दिया है आपने जितना स्टडी किए हैं जितना टाइम लगा दस साल पढ़ने में आपको सीखने में तो उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ये है साइंस का एक्टिवेशन एनर्जी जितना आप 10 साल पढ़े हैं जितना दस साल पढ़े ना ये जो दस साल आपको लेकर के जीरो वन टू थ्री अप टू टेंथ क्लास नाइन्थ टेंथ क्लास उससे ज़्यादा सिलेबस सिर्फ ये दो साल का है इसको साइंस में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ये एक्टिवेशन एनर्जी जो स्टूडेंट दस घंटे से ऊपर अपना इस रखा दस घंटे बारह घंटे से ऊपर अपना स्टडी टाइम सेल्फ स्टडी टाइम जिसने रखा यही है यही इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वेरी एक्टिव वेरी डिसिप्लिन वेरी परफेक्टन एकदम एकदम हाई डिसिप्लिन में जो डायोड ट्रायोड आपको सिखाया था तो वो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और वो भी बारह घंटे का छः सौ नंबर समझ रहे हैं नाइन्टी परसेंट ला के भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस स्कोर तक तो एकदम कंपटीशन टफ हो गया कंपटीशन टफ टफ नहीं है मेरे टाइम जब मैं पढ़ता था तो मेरे टाइम में तो कम नंबर पे भी पाँच सौ पर भी हो जाता था पाँच सौ क्या साढ़े चार सौ पर भी हो जाता था अभी क्या है अभी मेरे टाइम रिसोर्सेज नहीं था हम लोग स्कूल में जो सर पढ़ा दिए जो बुक्स है उसी से पढ़ के काम चलाना अभी इतने रिसोर्सेज हो गए हैं इतना अच्छे अच्छे टीचर अच्छे अच्छे बुक्स अच्छी कोचिंग अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन इतना सारा रिसोर्सेस हो गया ना कि सब सब लोग पढ़ रहा है जिसको पढ़ना है वो बारह घंटे चौदह घंटे पढ़ करके जैसे आप कोचिंग आएंगे मान लीजिए ऑफलाइन खुल गया कोचिंग आएंगे आपको घर से क्लास तक आने में आपको थर्टी मिनट लगेगा दो घंटे चार घंटे का मेरा तो चार घंटे क्लास होता है चार घंटे क्लास के बाद घर जाएंगे तो आधे घंटे और लगेगा जाने में आने में आधे घंटे जाने में आधे घंटे कितना घंटा एक घंटा एक घंटा क्या हुआ वेस्ट हो गया बर्बाद हो गया ऑनलाइन क्लास जो है उसमें आप अपने घर में बैठे हुए आपका एक घंटे बच गया तो जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं और समझा इस बार लोगों ने लॉकडाउन में पढ़ा जम के पढ़ा इसलिए तो स्कोर भागा इतना ज़्यादा भागा तो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको अभी रिसोर्सेस इतना सारा हो गया है कि लोग सेल्फ स्टडी करके घर में बैठ करके अपना टाइम अवेलेबल टाइम एकदम ज़रा सा वेस्ट नहीं करके बढ़ा दिए इसको दबा करके तो अगर बनना है उस जैसे आप अभी आप ये लेवल पे हैं दस साल आपने इतना ही पढ़ा है नाइन्थ टेंथ और अब जो मुझसे पढ़ रहे हैं जो दो साल का जो आपका स्टडी है सिलेबस है बिग सिलेबस ये दस साल जो पढ़े हैं ना उससे डबल है उससे डबल पढ़ना है बट लोग पढ़ रहे आप सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर आप कैसे रिच बनेंगे कैसे परफेक्ट बनेंगे आपके आगे का लाइफ हंड्रेड सौ साल की आपकी आगे की लाइफ है वो उसको एकदम ब्राइट करने के लिए आपको दो साल बहुत वर्क करना पड़ता है जो आप दस साल जो काम किए ना उससे डबल का इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं खूब हाई लेवल बहुत ज़्यादा वर्क करना है बारह घंटे चौदह घंटे पढ़ करके आज जब बहुत पढ़ेंगे तब जा करके आप यहां पे पहुंचेंगे यहाँ यहां पहुंचेंगे ये यह, ये जितना नीचे जाएंगे ये यह, ये यह, यहां पे आप पहुंचेंगे और ये जो है ये मोस्ट स्टेबल अब आप आ चुके हैं ये रिएक्टेंट थे दो साल मेहनत करिए ना जम के मेहनत करिए जम के मतलब बहुत ज़्यादा अभी सुबह भी मैसेज एक से बैच में मैंने बोला था कुछ स्टूडेंट पूछा हो जाएगा सर यस हो जाएगा क्यों नहीं होगा आपको करना पड़ता है आपको बारह घंटे चौदह घंटे पढ़ना पड़ता है आइएगा ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं अपनी बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ता था और कैसे मेरा ग्रुप पढ़ता था हम लोग चार लोग थे कैसे पढ़ करके कितने बस सिंपल आपको बात कर रहा सिंपल जस्ट मैं बताता हूं जैसे चार लोग थे हम लोग दोस्त थे चार लोग जस्ट घर में नहीं बाहर नहीं बनारस में हम लोग पढ़ते थे तो बनारस स्कूलिंग वगैरह सब बनारस का ही है तो, तो वहाँ जब पढ़ते थे हम लोग तो रूम लेकर के और हम लोग का इतने रिच नहीं थे कि हमारे यहाँ कुक रहे या मेरे से खाना हम लोग खाना बनाना पड़ता था अब सब लोग एक साथ बैठ के जस्ट एक रूम है एक एक उधर फेस किया हुआ एक इधर घड़ी नहीं कोई देख के पढ़ता था कोई घड़ी देख के नहीं पढ़ रहा है ठीक है सबका घड़ी अभी भी मेरे रूम में अभी जितने घड़ी है अभी अब सब घड़ी उल्टा रखा रहता है घड़ी देखता हूँ मैं कभी नहीं बस अपना काम किया ठीक है उसके बाद देख लेता हूँ कि हाँ हो गया काम घड़ी देख के कुछ पढ़ाई नहीं होता तो सब लोग घड़ी अपना उल्टा गया सब लोग फेस अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए पढ़ रहा है सुबह बैठा सात बजे हम लोग बैठे सात बजे पढ़े बैठना शुरू किए पढ़ना तो बारह बजे तक का टाइम था बारह बजे तक एक शिफ्ट पढ़ करके हम लोग खाना बनाएंगे एक लोग बर्तन साफ़ करेगा एक लोग सब्जी काटेगा एक लोग चावल दाल बनाएगा जल्दी से खाना बना के जल्दी से सैरिंग करके खा के एक घंटे में फिर से रेडी होना है मैं पढ़ रहा हूँ दोस्त पढ़ रहा है मेरा चार लोग थे चार लोग पढ़ रहे हैं ठीक है घड़ी सबका उल्टा है सब अपना काम कर रहा है ठीक है सब अपना वर्क किया जा रहा है वर्क किया जा रहा है बारह बज गया कोई हिलने के लिए तैयारी नहीं कोई नहीं हट रहा है ठीक है एक बज गया पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है दो बज गया भूख लगा हुआ है सोचिए कि सुबह सात बजे से बैठे हुए हैं बारह बज गया एक बज गया दो बज गया कोई सांस तक नहीं ले रहा है कि कोई हिले अपने जगह से सब हेल्दी कंपटीशन सब एक दूसरे में आपस में कंपटीशन चल रहा है कौन कौन छोड़ेगा कोई नहीं पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है सब लोग आप लोग मतलब दो बजे तक बोल रहे बिना खाए पिए बहुत भूख लग गया अब तब बात करते कि यार अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा चलो कुछ खा लेते हैं अब अब टाइम ही नहीं है तीन बजकर पढ़ते पढ़ते तो जाओ जल्दी से ब्रेड के या दौड़ के लाया ब्रेड लाया कोई बटर लाया कोई मिल्क लाया जल्दी से मिल्क लेकर के दस पंद्रह मिनट के अंदर वही मिल्क बॉइल किए कोई जिसको चाय बनाना है, चाय बना लिया ब्रेड दूध खा के फिर से बैठ गए ऐसे ऐसे हो रहा ये तो बारह घंटे दस घंटे हम लोग बोलते थे हम लोग तो मतलब बस सोना छोड़ के उसके बाद एक सेकंड वेस्ट नहीं होता था हम लोग और सब लोग सब आई टी सब एक से एक रिच पर्सन बने हम लोग सब लोग एक ही साथ आई में गए तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप आएंगे क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे मतलब तो रूम से निकलते तक नहीं थे कई कई बार होता है कि एक एक हफ्ते तक रूम से एकदम बस अपने फ्लैट जो है उसी में बस उतने दूर तक मूव करना है मतलब एक एक हफ्ते का हम लोग ला के फ्रूट्स वेजिटेबल रखते रहे एकदम मतलब एक, -एक, एक मिनट ना वेस्ट हो ऐसा तब जाके बिग रिच पीपल सारे लोग रिच सारे लोग लाइफ में मोस्ट मोस्ट स्टेबल बने आप ही बनेंगे आप ही करेंगे बट उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है ये दो तीन साल का टाइम बहुत टफ होता हो है, बहुत हार्ड करना पड़ता है उसके बाद होल लाइफ एंजॉय करिए आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि पूरे वर्ल्ड का जितना बिग बिग कंट्री है सारा कंट्री मैं घूम चुका हूँ जितना भी मतलब जो एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइफ की जितनी ड्रीम है वो सब मैं अपनी पूरा कर चुका हूँ तो कैसी ड्रीम मैंने पूरा किया इससे बहुत वर्क करते थे आप भी खूब हार्ड वर्क करिएगा अच्छा चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि ये जब हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क करके यहाँ पे आएंगे और ये जब आप डॉक्टर इंजीनियर या बेस्ट जो भी बिजनेसमैन भी बनना है बिजनेसमैन बनेंगे और अब आप अपने लाइफ को मोस्ट स्टेबल करेंगे और मोस्ट स्टेबल करेंगे तो यहाँ एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी रिलीज हुआ वही इन द फॉर्म ऑफ मनी पैसे के फॉर्म में वो मनी निकलेगा वही पैसा जो मिला सारी ड्रीम आपकी पूरी होगी बट ये हार्ड वर्क है आप सोचेंगे कि थोड़ा सा कम वर्क करेंगे थोड़ा सा कम वर्क करेंगे तो आप पता है आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा ऊपर आ जाइएगा इस लेवल जो है ना इससे ऊपर जाइएगा लेस स्टेबल हो जाइएगा तो अगर आप दो घंटे तीन घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका फ्यूचर यहाँ नहीं है आपका फ्यूचर इस लेवल पर रहेगा अभी जो है उससे भी लेस स्टेबल हो जाएंगे अभी पेरेंट डिपेंडेंट हैं पेरेंट आपके सारे ड्रीम को पूरा कर रहे हैं बट कुछ दिन तक ही पेरेंट आपके ड्रीम को पूरा करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे दस साल बाद पेरेंट आपके ड्रीम को पूरा नहीं करेंगे वो बोलेंगे अब आप खुद कमाओ खुद खाओ खुद अपने ड्रीम को पूरा करोगे उस वक्त आपका लेवल यहाँ हो जाएगा इससे भी जो अभी स्टेबिलिटी है उससे भी लेस स्टेबल हो जाएंगे वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कनाडी में चलिए हम लोग का प्लानिंग था कि स्टेप्स कंडीशन फॉर आनी वो दिखाना था तो चलिए ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट डेल्टा एच एनर्जी रिलीज और ये एनर्जी रिलीज जो है एक्सोथर्मिक हुआ नीचे प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है अच्छा आप मुझे बताएंगे मान लीजिए सेकंड पॉइंट मैं आपके लिए दो रिएक्शन प्लान कर रहा हूँ मान लीजिए एक रिएक्टेंट आर वन और यहाँ प्रोडक्ट पी वन है और डेल्टा एच वन एनर्जी रिलीज ही कर रहा है दूसरा रिएक्शन रिएक्टेंट आर टू प्रोडक्ट पी टू डेल्टा एच टू ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैंने एक ग्राफ बनाया ये है ग्राफ फॉर एनर्जी और टाइम के लिए ठीक है एक बनाया मैंने ये ये है ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया ये प्रोडक्ट है पी वन ठीक है पी वन प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे डेल्टा एच वन इतना एनर्जी रिलीज किया कलर चेंज कर रहा दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाया ये है पी टू मैंने बनाया ये गैप जो है वो डेल्टा एच टू सो सो वन कर दिया टू कर दिया ये पी वन प्रोडक्ट डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू ठीक कौन मोर स्टेबल है कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है P1 की P2 दो इंजीनियर बने आपके दोस्त दो, दो इंजीनियर बने एक आईडी का बने और एक आईटी मेन में गए आईटी एडवांस में आईटी मेन में देखिए मोर स्टेबल जो जो जितना नीचे रहेगा जितना नीचे जितना नीचे वो उतना मोर स्टेबल लो एनर्जी एनर्जी जितना लो लो एनर्जी मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल में वन, स्टेबिलिटी करेंगे इनमें इन फिगर में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पीवन मैं इसको आनिक बॉन्ड से रिलेट करना चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा बस टाइम दीजिए मैं तुरंत अभी रिलेट कर देता हूँ आनिक बॉन्ड से स्टेप्स एंड कंडीशन सो यहाँ पे आप देख लेंगे स्टेबिलिटी पी वन नीचे है ज्यादा स्टेबल होगा सो so, नीचे पी वन ज्यादा डेल्टा एच वन मोर या डेल्टा एच वन आप कह सकते हैं हाई एनर्जी रिलीज सो स्टेबिलिटी के लिए हाई एनर्जी रिलीज हाई एनर्जी रिलीज फॉर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हाई एनर्जी रिलीज फॉर मोर स्टेबल प्रोडक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपने टर्म में आप अपने टर्म में हाई मनी रिलीज फॉर मोर स्टेबल लाइफ आपके लाइफ को मोर स्टेबल करने के लिए हाई मनी मनी जो है एनर्जी रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मनी वो जत जा, जितना ज़्यादा एनर्जी जितना ज़्यादा आप मनी अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा आपका ड्रीम पूरा होगा तो वो चीज़ें हैं आपको अब इसको हम आइनिक बॉन्ड से रिलेट करते हैं चलिए थर्ड पॉइंट कंडीशन मुझे चाहिए था हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनएसएल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन सोडियम गैस क्लोरीन गैस सोडियम क्लोरीन गैस फॉर्मेशन है यहाँ पे एन का सॉलिड बन गया सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लाइटिस एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी हो गए ओके सोडियम गैस क्लोरीन गैस आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एस सी एल सॉलिड प्लस डेल्टा एच ये पूरे डरम को ये जो पूरा डर है पूरे डरम की जगह डेल्टा एच लिख सकते हैं लिख सकते हैं डेल्टा एच और अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप जान रहे हैं देख रहे हैं यह है डेल्टा एच एक्सोथर्मिक शर्मिक सब दिख रहा है एक्सोथर्मिक आप जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बेस्ट एनिक बॉन्ड डेल्टा एच मस्ट बी मैक्सिमम हाई एनर्जी रिलीज फॉर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग एनिक बॉन्ड यही तो है एनिक बॉन्ड बेस्ट एनिक बॉन्ड डेल्टा एच मस्ट बी मैक्सिमम एक कंडीशन है कंडीशन फॉर एनिक बॉन्ड एक सौ फर्मिक रिएक्शन है बेस्ट एनिक बॉन्ड डेल्टा एच मस्ट बी मैक्सिमम देखिए फॉर बेस्ट आनिक बॉन्ड और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट डेल्टा एच मस्ट बी मैक्सिमम डेल्टा एच मैक्सिमम होना चाहिए डेल्टा एच का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होना चाहिए ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम कैसे आएगा जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होना चाहिए मैक्सिमम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए मिनिमम बेस्ट आइनिक बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम लैटिस एनर्जी मैक्सिमम और आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए अब मैं इन तीनों के ऊपर कंडीशन तीन नहीं दो के ऊपर पढ़ना है इन दोनों पे मेन वर्क करना है तो स्टेप्स हो गया कंडीशन हो गया अब मैं इन सब पे वर्क करूँगा कि ये कंडीशन